Hey guys, welcome back to my YouTube channel. जैसा कि आपने टाइटल में देख ही लिया होगा कि टे बे फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एंड म्यूचुअल फंड्स, तो वो इस वजह से कि ये ग्लोबल पैंडेमिक जो इस टाइम पे चल रही है उसकी वजह से सारी जो दुनिया की स्टॉक एक्सचेंज है वो नीचे जा रही है और वो आर्टिफिशली नीचे जा रही है। मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन जब मैं कहता हूँ कि स्टे अवे फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज एंड म्यूचुअल फंड्स, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने इन्वेस्ट नहीं करना। अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में या म्यूचुअल फंड्स में, म्यूचुअल फंड्स बैंक सफ़र करते हैं, वो भी डिपेंडेंट होते हैं स्टॉक एक्सचेंज के, तो अगर आपकी कोई इन्वेस्टमेंट्स हैं स्टॉक एक्सचेंज में एंड म्यूचुअल फंड्स में, तो उनको भी आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। मतलब आपने नई इन्वेस्टमेंट तो करनी नहीं इस टाइम पे, फॉर द टाइम बीइंग अनटिल इट्स द राइट टाइम। राइट टाइम तब होगा जब बिल्कुल नीचे पहुंच चुकी होंगी प्राइसेस हर चीज़ की, और फिर उसके बाद पैंडेमिक जो है उस पर कंट्रोल होगा और आस्ते आस्ते चीज़ें अच्छी होती होने शुरू हो जाएंगी, तो वो करेक्ट टाइम है। तो आपने नई इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल नहीं करनी, लेकिन आपकी जो करंट इन्वेस्टमेंट है उसको भी नहीं छेड़ना। उसको इसलिए नहीं छेड़ना कि ये जो प्राइसेस सारी नीचे जा रही हैं ये आर्टिफिशली जा रही हैं। मसलन एक कंपनी है यूनिलीवर, तो आपको क्या लगता है कि अगर उसकी अभी प्राइस 40% गिर जाती है या 50% गिर जाती है स्टॉक की, तो क्या वाकई वैल्यू में वो कंपनी इतनी नीचे चली गई है? क्या वाकई उनकी जो अगले एक साल की सेल है वो इतनी कम होगी? ये ऐसा बिल्कुल नहीं होगा, ये मसनू है। जैसे ये पेंडेमिक ओवर होगी तो हर चीज़ अपने वापस उस पर आने शुरू हो जाएगी। सो ये एक मैसेज था कि आप इस टाइम पे फिलहाल, जब तक बिल्कुल ही रॉक बॉटम पे नहीं जाती और चीज़ें पेंडेमिक के लिहाज से बेहतर होना नहीं शुरू होती, आपने एक तो नई इन्वेस्टमेंट कोई नहीं करनी उसमें स्टॉक एक्सचेंज में या म्यूचुअल फंड्स में, और अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उनको छेड़ना नहीं। अगर आप इस टाइम पे निकलवा लेंगे तो ज़ाहिर है आपने एक हायर प्राइस पे वो स्टॉक्स अपने परचेज किए होंगे, तो वो आपको बिल्कुल नुकसान हो जाएगा। अच्छा, ये एक अपॉर्चुनिटी भी है उन लोगों के लिए जो कि नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, लेकिन वो मैं अपनी अगली वीडियो में, इस वीडियो के एंड पे उसका लिंक लगा दूंगा, तो वो मैं अपनी अगली वीडियो में एक्सप्लेन करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो हिट थम्स अप, डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, डू हिट द बेल बटन फॉर टाइमली नोटिफिकेशंस। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइस।